हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पंडोले स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में होने वाले पटवारी एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर किस जिले में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में, जिसका राइट आंसर है सेकंड नंबर का, सिरोही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध मामा भांजा का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जयपुर, जोधपुर, बारा, करौली, इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 32 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, माधोपुर, तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 1444 खंभों का मंदिर किस जिले में स्थित है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, पाली, बारा, दौसा, चूरू, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर का, पाली। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 10 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, करौली, 6 नंबर के क्वेश्चन का है राइट आंसर सेकंड नंबर का, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 8 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सीहोरी, करौली, उदयपुर, जोधपुर, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ आपको, इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 8 खंभों की छतरी किस महाराजा की है। महाराणा प्रताप की, महाराणा कुंभा की, महाराणा उदय सिंह की, सवाई जय सिंह की, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर का, महाराणा प्रताप। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 16 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, करौली, इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, नागौर। अगला देखते हैं, राजस्थान के किस शहर को रंगश्री द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड नंबर का, जयपुर को। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, करौली, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर का, बूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल किस जिले में स्थित है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, जिसका राइट आंसर बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर का, अलवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर का, माधव सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। कोटा में, जोधपुर में, राजसमंद में, जैसलमेर में, इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर का, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 18 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर का, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध अकबर की छतरी किस जिले में स्थित है। आपके पास में यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का,
भरतपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में टहला की छतरिया किस जिले में स्थित है? सीहोर में, अलवर में, बूंदी में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, अलवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध एक खंबे की छतरी किस जिले में स्थित है? आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का, सवाई माधोपुर। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 20 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध कुत्ते की छतरी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है कुत्ते की छतरी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध घास फूस की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 1st नंबर का, बूंदी में। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध उषा मस्जिद किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर का, भरतपुर। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध 5 कुंड की छतरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, बांसवाड़ा या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सेकंड नंबर का, जोधपुर। अगला देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध अकबर की मस्जिद किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में लिख कर आंसर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।